गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज थॉट, आज का सुविचार, लर्न टू कंट्रोल योर थॉट्स और योर थॉट्स विल कंट्रोल यू, अर्थात अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें, नहीं तो वो आपको नियंत्रित करेंगे। इसका मतलब है बच्चों कि हमें अपने अंदर अपने कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। अगर हम अपने कार्य के प्रति सजग नहीं रहेंगे, अपने विचारों के प्रति, अपनी आस्था के प्रति सजग नहीं रहेंगे, तो कोई भी विचार, कोई भी इंसान हमारे ऊपर नियंत्रण कर सकता है। बच्चों, इसके पहले क्लास में मैंने चैप्टर फर्स्ट वह चिड़िया जो इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ द्वारा आप लोगों के पास भेजा था। मुझे आशा है कि आप सभी बच्चे फेयर कॉपी में इसके क्वेश्चन आंसर राइट कर लिए होंगे। इसके अलावा मैंने हिंदी सेकंड में पार्ट एक भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण, ये हमने आप लोगों को पढ़ाया था। इसके क्वेश्चन आंसर करवाए थे, पीडीएफ द्वारा आप लोग के पास भेजा था और इसके एक्सरसाइज मैंने क्लासेस के थ्रू आप लोगों को फिल करवाया था। ये इसके एक्सरसाइज हैं, का, ख, ग और घ, ये एक्सरसाइज आप लोग को मैंने कॉपी में होमवर्क के तौर करने के लिए कहा था और क्वेश्चन आंसर को मैंने कहा था कि पीडीएफ द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। आशा है कि सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर राइट कर लिए होंगे, ओके। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड, अध्याय दूसरा। चैप्टर का नाम है बचपन। बचपन शब्द सुनने से आप लोग के अंदर क्या फीलिंग होती है? जाहिर सी बात है, हर इंसान को अपने अपने छोटेपन की कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं। हालांकि पूरी बातें तो याद नहीं आती हैं, लेकिन कुछ कुछ बातें हम लोगों को याद आती हैं और कुछ हम लोगों को हम लोग की नानी, दादी और जो भी घर में बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, मम्मी पापा, जो भी बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो लोग हम लोगों को कुछ कुछ बातें हमारे बचपन की बताते रहते हैं कि हम बचपन में ऐसे थे, हमारा स्वभाव ऐसा था, हम ये करते थे, हम वो करते थे, इतने शैतानी करते थे, हम कुछ नहीं बोलते थे लेकिन अब हम बहुत बोलते हैं, या हम बचपन में बहुत बोलते थे अब बिल्कुल नहीं बोलते हैं। इस तरह की हर इंसान के बचपन में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उनको याद रहती है, चाहे वो खाने की बातें हो, चाहे वो पढ़ाई की बातें हो, चाहे किसी से छोटे में लड़ा हो या कुछ अपनी बुरी आदत हो, उसको सोचकर इंसान हंसता है कि मैं ऐसा करती थी या मैं ऐसा करता था, लेकिन खुद पर ऐसा बिलीव हम लोगों को नहीं हो पाता है। अगर हमारे कोई बड़े हमसे कुछ कहते हैं कि तुम छोटे में ऐसे थे, ऐसा बिहेव करते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पहनते थे, तो हम लोग सोचते थे कि शायद वो हमसे झूठ कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे जो बचपन की बातें, कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को याद नहीं रहती है, लेकिन बुज़ुर्ग लोग, हमारे जो बड़े होते हैं, वो हम लोगों को वो सब बातें याद दिला देते हैं। उसी तरह हमारी ये जो लेखिका हैं, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी लेखिका हैं। हमारी लेखिका का क्या नाम है ये देखिए, हमारी लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। हम लोग इनके बचपन की स्टोरी को पढ़ेंगे।
इन्होंने अपने बचपन की बहुत सारी बातें इस कहानी के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाई है, और इसको पढ़कर हम लोग अपने अपने बचपन पर वापस लौट सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को इस पाठ का सारांश बताती हूँ। आप लोग इस पाठ को घर पे अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोग जब संडे को क्वेश्चन आंसर चैप्टर हम लोगों को दिखाते हैं होमवर्क, ठीक है, उस समय आप लोग इससे हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमें ये लाइन समझ में नहीं आया है, हमें चैप्टर फिर से समझा दीजिए। लेकिन आप लोग कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग को इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है, पहली बात पढ़ के समझना है। फिलहाल मैं अभी आप लोग को स्टोरी बता रही हूँ, इसके माध्यम से भी आप लोग को स्टोरी का ज्ञान हो जाएगा। फिर आप लोग अगर इसको रीड कर लोगे अच्छे से, तो आप लोग को बिल्कुल अच्छे से इसकी स्टोरी पता हो जाएगी। ठीक है, यह स्टोरी है कृष्णा जी के बचपन की स्टोरी है। उन्हें अपने कपड़ों से, अपने मोजों से, अपने जूतों से, अपनी हर चीज़ से उन्हें बहुत लगाव था, बहुत प्यार था। इस तरह हम लोगों को भी अपने बचपन की कोई भी चीज़ें, कोई भी छोटी छोटी खाने की चीज़ हो या पहनने का चीज़ हो, या कुछ कुछ बच्चों को देखिए जब मम्मी लोग बाहर लेके चलती हैं मार्केट वगैरह, तो बच्चे खुद कहते हैं कि मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है। क्यों? क्योंकि वो उनका फेवरेट कलर या फेवरेट कपड़ा होता है। कौन सा शूज़ पहनना है, कौन सा सॉक्स पहनना है, ये सब उन लोगों को बुद्धि कहाँ से आती है? अपने अंदर से, अपने आत्मा से बुद्धि आती है कि हमें ये कलर अच्छा लगता है, ये कपड़ा हमें अच्छा लगता है। तो फट जाने के बाद भी वो बच्चे उस कपड़े को बहुत संभाल के रखते हैं। या किसी लड़की के पास, किसी बच्चे के पास, चाहे लड़के बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, उसके पास कुछ खुद के कुछ खिलौने होते हैं। सपोज लड़की के पास कुछ गुड़िया होती है, अगर गुड़िया के बाल भी निकल जाते हैं, आँख भी एक अंदर धस जाती, फिर भी वो उसकी फेवरेट गुड़िया होती है, वो उसको अपने सीने से लगा कर घूमती है कि ये मेरी बचपन की गुड़िया। अब बहुत दिन तक उसको अपने पास बहुत प्यार से सहेज कर रखती है। उसी तरह बॉयज़ भी होते हैं, चाहे उनके पास कोई गन हो या कोई स्पाइडरमैन का कोई खिलौना हो, तो वो भी जब उनके पास टूट जाता है, खेलने योग्य नहीं होता है, फिर भी वो उसको बहुत संभाल के अपने पास बहुत दिनों तक रखते हैं। मम्मी पापा उसे फेंकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो फिर भी बहुत रोते हैं कि इसे मुझे, ये मेरा खिलौना है और इसे फेंकना नहीं है। उसी तरह हमारी कृष्णा जी की भी बहुत बचपन से जुड़ी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, ऐसे किस्से हैं जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत चीज़ हैं जो उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हर इंसान के पास कपड़े होते हैं पहनने के लिए, कुछ घर के कपड़े होते हैं, कुछ बाहर के कपड़े होते हैं, है ना। तो जैसे आप लोगों के पास कुछ फ्रॉक्स होंगे, आप लोग जब बाहर निकलते हैं, अगर शादी पार्टी में जाते हैं तो आप लोग गाउन वगैरह पहनते हैं, किसी फ्रेंड से मिलने जाते हैं तो आप लोग जींस टॉप पहनते हैं। समय के अनुसार, स्थान के अनुसार हम लोग अपना अपना परिधान पहनते हैं। अब कोई अगर फ्रेंड से मिलने जा रहा है और खूब लंबा सा गाउन पहन लेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम लोग अपने समय के अनुसार और स्थान के अनुसार अपने कपड़े की च्वाइस करते हैं। ऐसे लेखिका के पास भी, लेखिका के खूब अच्छे अच्छे कपड़े थे, तो उनको अपने कपड़ों से बहुत प्यार था। कुछ फ्रॉक तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय थे। इसी तरीके उनको अपने जूतों से बहुत प्यार था, उनको अपने मोजों से बहुत प्यार था। हम लोग क्या करते हैं, एक सप्ताह, बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास दो तीन जोड़ी मोजे होते हैं, दो तीन जोड़ी स्कूल के ड्रेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास एक ही कपड़े होते हैं, एक ही जोड़ी होते हैं, मोजे के भी, एक ही जूते के भी, और एक ही ड्रेस भी होता है, जो वो लोग पूरे सप्ताह पहनते हैं, फिर संडे के दिन उनकी मम्मी धोती हैं। उसी तरह हमारे कृष्णा जी के भी कुछ ऐसे कपड़े थे,
स्कूल के जूते थे जो वो संडे के दिन यानी इतवार के दिन छुट्टी के दिन वो अपने हाथों से धोना ही उसको पसंद करती थी। उन्हें लगता था कि हम अपने हाथों से धोएंगे तो हमारे जूते और हमारे मोजे बहुत अच्छे साफ हो जाएंगे। और उन्हें चॉकलेट का बहुत शौक़ था। कुछ लोग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें अगर मार्केट में गए उनके मम्मी पापा चॉकलेट देते हैं तो वो लोग क्या करते हैं उसको वहीं पर निकालते हैं, रैपर निकालते हैं और वहीं पर उसके रैपर निकालते हैं और वहीं पर खाना शुरू करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर में उसको लेकर के आते हैं, अपने भाई बहनों के संग मिलकर बांट के खाते हैं। अगर सपोज़ उनके भाई बहन नहीं हैं, वो बच्चा सिंगल घर पे रहता है, उसके और कोई छोटे भाई बहन नहीं हैं, तो वो अकेला ही खाता है। लेकिन हमारी लेखिका जी, हमारी कृष्णा जी को क्या अच्छा लगता था, वो मार्केट से चॉकलेट बहुत शौक से लेके आती थी और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर उसे थोड़ा थोड़ा सा खाकर आनंदित होती थी। अगर वो सोचती थी कि मैं पूरा एक बार में खा लूँगी तो मेरा चॉकलेट जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, मुझे थोड़ा थोड़ा आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसको करके उसको मुँह में खाती रहती और बहुत देर तक उस चॉकलेट का आनंद लेती थी। और हमारी लेखिका जी को क्या पसंद, हमारे कृष्णा जी को क्या पसंद था, उन्हें अनार के दाने बहुत पसंद, उन्हें भुंजे चने बहुत पसंद थे। ये सब उस ज़माने की बात है, लेकिन इसी के तौर पर अगर हम आज के बच्चों को देख लें तो आज के बच्चों को क्या अच्छा लगता है, मैगी अच्छा लगता है, पास्ता अच्छा लगता है और पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। ये सब चीज़ आज के बच्चों की पसंद है, लेकिन उस ज़माने में, ये बहुत दिनों पहले की स्टोरी है तो हम उस ज़माने को ही कहेंगे, है ना, ये समझ लीजिए कि ये हमारे ज़माने की स्टोरी है। हम लोगों के ज़माने में ये पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह नहीं रहता था, हम लोग शरबतों से ही अपना काम चला लेते थे, पीकर जब हमें गले में प्यास लगती थी और कुछ अच्छा सा पीने का मन करता था तो हम लोग क्या करते थे, तरह तरह के रंगीन शरबत का ठेला जाता था, हम लोग उससे ही एक गिलास शरबत लेके पीते और आनंदित होते थे। लेकिन आजकल के बच्चे बिना कोल्ड ड्रिंक और बिना, अगर हम लोग उनको देंगे शरबत तो उन्हें पहले उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फ्रूटी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कोको कोला चाहिए, तभी उनकी प्यास बुझती है। तो समय में कितना अंतर आ गया है। पहले के बच्चे क्या करते थे, छोटे छोटे चीज़ों में खुश हो जाते थे, लेकिन आज के बच्चे कुछ ज़्यादा खर्चा करा के तभी थोड़ा सा खुश होते हैं, है ना, यही समय का अंतर होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, बहुत पूरे मोहल्ले में कहीं एक दो जगह टीवी होती थी और रेडियो से ही हम लोग समाचार सुनते थे और ग्रामोफोन से हम लोग गाने वगैरह सुनते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या, लैपटॉप आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए हैं, टीवी भी अच्छी क्वालिटी के आ गए हैं। पहले ज़माने के टीवी अब इस समय नहीं चलते हैं, तो समय में कितना परिवर्तन हो गया है। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, कृष्णा जी के ज़माने के लोग ग्रामोफोन के गाने को ही सुनकर आनंदित होते थे और जब उन्हें कुछ खाने का मन करता था तो वो क्या खाते थे, कचौड़ी, समोसे, पैटिस, यही खा करके पैटिस खाने के उसमें रहते थे। पहले क्या करते थे बच्चे, लेखिका जी हमारी क्या खाती थी, अगर कुछ ठंडा खाने का मन किया तो कुल्फ़ी खाती थी। लेकिन आजकल के बच्चे बिना आइसक्रीम के नहीं मानते हैं। इसके अलावा हमारी लेखिका जी जब एक बार शिमला घूमने गई तो अपने शिमला घूमने के उन स्थानों का भी उन्होंने इस कहानी के माध्यम से वर्णन किया है जो उनको बहुत प्रिय जगह लगे। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर घुड़सवारी भी की। घुड़सवारी यानी घोड़े के पीठ पर बैठकर घूमना, उसे कहते हैं घुड़सवारी। तो उन्हें घुड़सवारी का भी बहुत शौक़ था।
इसका भी उन्होंने अपने बचपन में आनंद उठाया था। उन्होंने उस जमाने में हवाई जहाज का वर्णन किया है, जब आकाश में हवाई जहाज उड़कर जाते थे तो सब बच्चे नीचे से अपने अपने घरों से बाहर निकलकर उस हवाई जहाज को देखने के लिए, बच्चे तो बच्चे बड़े लोग भी घर से बाहर निकलकर उस हवाई जहाज को देखते थे। किंतु लेखिका जी को हवाई जहाज से भी ज़्यादा अच्छा यात्रा का साधन लगता था ट्रेन। जब ट्रेन की लाल बत्ती जलती थी और ट्रेन वहाँ पर ट्रेन की लाल बत्ती और ट्रेन के डिब्बे में बैठना, खिड़की के सामने बैठना और गाड़ी धीरे धीरे चलती थी, उस चीज़ वो दृश्य उनको आज भी आज तक उनको वो दृश्य याद है। इन सभी चीज़ों के अलावा बच्चों, उन्हें सबसे ज़्यादा एक चीज़ का अभी भी बहुत उन्हें शौक था, वो था अपने आँखों में चश्मा पहनना। वो तरह तरह के चश्मे के शौकीन थे, उन्हें चश्मों से बहुत प्यार था। जहाँ वो देखते थे अच्छे मॉडल के चश्मे, वो अपने आँखों में पहनते थे। चश्मे के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा कहा है, उनके चश्मे पहनने से उनके छोटे एक छोटे उनके भाई थे जो उन्हें बचपन में बहुत चिढ़ाते थे, वो इस तरह से चिढ़ाते थे, इन पंक्तियों के द्वारा चिढ़ाते थे। मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, या नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। यानी उनके भाई उन्हें चिढ़ाते थे ये बोलकर कि आँख में उनके चश्मा लगा है और ये चश्मा इसलिए लगाई हैं कि इनको दूर की दिखाई पड़े, लेकिन ये नहीं जानती कि ये चश्मे से वो लंगूर यानी बंदर की तरह दिख रही हैं। ये किसकी? भाई बहन के प्यार भरी ही बातें हैं। ये आपस में जब भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और एक दूसरे को कुछ कुछ बातें बोलकर चिढ़ाते भी हैं। यही सब बातें हम लोगों को बड़े तक याद भी रहती हैं कि हम लोग कभी ऐसे लड़ते थे और कभी इस तरीके से प्रेम से आपस में एक दूसरे के साथ रहते भी थे। चश्मे के अलावा हमारी कृष्णा जी को तरह तरह के दुपट्टों का भी बहुत शौक था। वो तरह तरह के रंग बिरंगी दुपट्टे भी अपने गले पे लगाते थे, स्कार्फ की तरह उसे अपने सर से ओढ़कर और गले पे चारों तरफ वो लपेटती थी। उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों से बहुत प्यार था। ये छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशी ढूंढ लेती थी। आजकल के बच्चों को इतनी छोटी छोटी खुशी में आनंद नहीं मिलता है, जब तक थोड़ा ज़्यादा मम्मी पापा का पैसा ना खर्चा हो और उन्हें मनपसंद खाना पीना ना मिले, खासकर बाज़ार के चीज़। घर का बना हुआ बच्चों को कुछ कम ही पसंद आता है, लेकिन हमारी लेखिका जी को देखिए, कृष्णा जी छोटी छोटी चीज़ें, आजकल के कौन बच्चे भूंजे चने खाएंगे, लेकिन इन्हें पसंद था। भूंजे चने ये हाथ में लेकर घंटों खाया करती थी। इसी तरह चश्मा पहनना, मोटे फ्रेम का चश्मा पहनना किसे पसंद, लेकिन हमारी कृष्णा जी को पसंद है। छोटी छोटी चीज़ों में वो अपनी खुशियाँ ढूंढती थी। ये स्टोरी बेटा मैंने आप लोगों को पढ़कर बताया। इसी तरह हर इंसान के, हर लोगों के, मेरे आपके, हर बच्चों के अपने अपने बचपन की कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम कुछ तो याद रखते हैं और कुछ अपने घर वालों से भी सुनते हैं। और सुन के अगर एक ही स्टोरी को बार बार हम लोग सुनते रहें तो हम लोगों को अपने बचपन का दृश्य याद आ जाता है कि हम लोग इस तरह से थे। जिस तरह हमने आपको कृष्णा जी की स्टोरी सुनाई, कृष्णा जी के बचपन के शौक सुनाए, उसी तरह आप लोग के भी कुछ ना कुछ बचपन की स्टोरियाँ होंगी, कुछ कुछ कहानियाँ होंगी। आप लोग अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। हर इंसान, हर बच्चे का, हर मानव जाति का कुछ ना कुछ छोटे की बचपन की कुछ ना कुछ स्टोरियाँ ज़रूर रहती हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम करिएगा,
आप लोग होमवर्क आप लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पहले सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को रीड करने के बाद में आप लोग कॉपी में सिर्फ दो वर्क करेंगे। पहले तो पाठ का नाम डालेंगे, पाठ का नाम डालने के बाद में आप लोग ये पिक्चर राइट करेंगे। लुक हियर, ये पिक्चर आप लोग कॉपी में राइट करेंगे, ओके। उसके बाद एक एक्सरसाइज मैं आप लोग को दे रही हूँ, वो एक्सरसाइज आप लोग करेंगे कॉपी में। एक्सरसाइज पेज नंबर 11, ओके, पेज नंबर 11 का ये है। देखिए, अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। इसके पहले आप लोग को व्याकरण में हमने विशेषण के भेद करवाए थे, ठीक है। ये देखिए, का नंबर, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, ये कौन सा विशेषण है? निश्चित संख्या वाचक विशेषण। 2 किलो अनाज दे दो, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। कुछ बच्चे आ रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सभी लोग हंस रहे थे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप लोग एक्सरसाइज एक नंबर डाल दीजिएगा और ये एक्सरसाइज आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और जो कुछ भी एक्सरसाइज होंगे मैं आप लोग को पीडीएफ में करके दूंगी, आप लोग उसको कॉपी में राइट कर लीजिएगा, ओके। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।